मुंबई स्थित आइडिया फोर्ज ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है। आइडिया फोर्ज एक ड्रोन बनाने और डिजाइन करने वाली कंपनी है। इन ड्रोन का इस्तेमाल मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलांस आदि में होता है। अगर ये आईपीओ सफल होता है तो आइडिया फोर्ज शेयर बाजार में मुख्य इंडेक्सेस में लिस्ट होने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन जाएगी। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2022 में शंकर शर्मा के निवेश वाली ड्रोन कंपनी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई थी और इसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। आइडिया फोर्ज में क्वालकॉम, इंफोसिस, फ्लोरेंट्री कैपिटल पार्टनर्स आदि ने निवेश किया हुआ है। बता दें कि फ्लोरेंट्री कैपिटल पार्टनर्स की स्थापना ब्लैकस्टोन के पूर्व एग्जीक्यूटिव मैथ्यू सिरिएक ने की है। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा करा दिए हैं। आईपीओ के जरिए नए शेयर जारी करके करीब 300 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा शेयर होल्डर्स भी इसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। हिस्सेदारी बेचने वालों में प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों के अलावा क्वालकॉम और कुछ दूसरे वेंचर कैपिटल फर्म्स शामिल हो सकते हैं। आइडिया फोर्ज को आईआईटी मुंबई के छात्रों ने मिलकर शुरू किया था। ये आज एक डिफेंस होमलैंड सिक्योरिटी यूएवी सेगमेंट में देश की अग्रणी कंपनी है। सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के एक सीन में इसी कंपनी के ड्रोन के मॉडल को दिखाया गया था, जिससे कंपनी को काफी पॉपुलैरिटी मिली। फिल्म में ड्रोन का मॉडल बनाने वाला छात्र आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद रैंचो उस ड्रोन को ठीक करता है। फिल्म के बाद उस ड्रोन पर डीआरडीओ की नजर भी गई और उसके बाद आइडिया फोर्ज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दूसरे सूत्र ने बताया कि आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर्ज को कम करने, उत्पादकों को विकसित करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। वहीं एक और सूत्र ने बताया कि कंपनी ने आईपीओ के लिए जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल कैपिटल्स को इन्वेस्टमेंट बैंकर नियुक्त किया है। बता दें कि यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहाँ से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।